Good morning, students. Welcome to my new video of life process. In this video, I will discuss about the transportation in plant. So let's see transportation plants. Plant take atmospheric CO2 for making energy-rich compound glucose in the leaf by the help of chlorophyll. मतलब plant जो है atmosphere से CO2 लेते हैं leaf में glucose बनाने के लिए, जो कि glucose जो है वो energy containing compound होता है, ठीक है? और बाय द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के हेल्प से, लीफ में क्लोरोफिल होता है उसकी हेल्प से ये जो है ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, और इस प्रोसेस के लिए वो एटमॉस्फेयर से CO2 लेते हैं। फिर दूसरी बात कि प्लांट टेक्स अदर रॉ मटेरियल फॉर बिल्डिंग प्लांट बॉडी फ्रॉम द सॉइल। तो दूसरे रॉ मटेरियल जो कि रिक्वायर्ड है प्लांट की बॉडी या प्लांट सेल्स को बनाने के लिए, वो सारे रॉ मटेरियल प्लांट जो होते हैं वो सॉइल से ऑब्टेन करते हैं, मिट्टी से लेते हैं। सॉइल इज द रिचेस्ट एंड नियरेस्ट सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल लाइक नाइट्रोजन फॉस्फोरस एंड अदर मिनरल्स। तो सॉइल जो होता है वो सबसे रिचेस्ट और नियरेस्ट सोर्स होता है प्लांट के लिए रॉ मटेरियल्स के लिए, रॉ मटेरियल जैसे फॉस्फोरस, सल्फर और दूसरे रॉ मटेरियल भी हैं जैसे कैल्शियम है और जो है आयरन है, कोबाल्ट है, निकल है, कॉपर है, ये सारा कुछ सॉइल में मिलता है। तो सॉइल इज द रिचेस्ट एंड नियरेस्ट सोर्स फॉर द रॉ मटेरियल टू द प्लांट्स। फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ दीज सब्सटेंसेस टेक्स प्लेस बाय द हेल्प ऑफ रूट। ये सारे सब्सटेंस जो है सॉइल से एब्जॉर्ब होते हैं बाय द हेल्प ऑफ रूट। इफ द डिस्टेंस बिटवीन सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन विच इज रूट एंड क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन विच इज लीफ आर स्मॉल, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ प्लांट बॉडी बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो कहने का मतलब है अगर सॉइल कॉन्टेक्टिंग ऑर्गन, मतलब सॉइल को कॉन्टेक्ट करने वाले ऑर्गन क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, रूट और क्लोरोफिल कंटेनिंग ऑर्गन जो कि लीफ है, उनके बीच में डिस्टेंस जो है वो कम है, तो एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, एनर्जी का मतलब ग्लूकोज की बात हो रही है यहाँ पे, एनर्जी एंड रॉ मटेरियल जो कि सॉइल से आ रहा है, मिट्टी से आ रहा है, कैन बी ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी टू द बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। तो कहने का मतलब लीफ और रूट के बीच की डिस्टेंस अगर कम होती है तो जो लीफ में मतलब ग्लूकोज बनता है जिसको यहाँ पर एनर्जी लिखा हुआ है, तो चूंकि ग्लूकोज एक एनर्जी कंटेनिंग कंपाउंड है तो ग्लूकोज का ट्रांसपोर्ट कहाँ से होगा, लीफ से रूट की ओर होगा, और जो रॉ मटेरियल का है ट्रांसपोर्ट वो रूट से लीफ की ओर होगा। रॉ मटेरियल मतलब ये मिनरल्स की बात हो रही है, तो इन सब का ट्रांसपोर्ट बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है। तो इस तरह मतलब डिफ्यूजन द्वारा जो ट्रांसपोर्ट होता है वो लोअर प्लांट्स में होता है, जैसे एल्गी हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए, इनमें वेल डेवलप्ड वैस्कुलर सिस्टम नहीं पाया जाता है। वैस्कुलर सिस्टम का मतलब हो गया जाइलम और फ्लोएम, जो लोअर प्लांट होते हैं जैसे एल्गी हो गए और ब्रायोफाइट्स हो गए, इनमें वैस्कुलर टिश्यू नहीं पाया जाता है, तो जो है इनमें ट्रांसपोर्ट जो होगा लीफ टू मतलब लीफ टू रूट की ओर, अप फ्रॉम अपसाइड टू डाउन डाउनवर्ड एंड फ्रॉम रूट्स टू अपवर्ड, ये मीन्स रूट्स टू लीफ, ये जो ट्रांसपोर्ट होगा वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन होता है, क्योंकि प्लांट बॉडी बहुत छोटी होती है, छोटी इस तरह प्लांट बॉडी को थैलस कहते हैं। थैलस क्या होता है, द प्लांट बॉडी विच लैक ट्रू स्टेम रूट एंड लीफ, वो प्लांट बॉडी जिसमें ट्रू स्टेम रूट्स और लीफ एबसेंट होती है उसे थैलस बोलते हैं। जिनकी बॉडी थैलॉइड होती है उनमें ट्रांसपोर्ट जो होता है मिनरल्स का या फूड का या न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट जो होता है वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन हो सकता है, लेकिन जो हायर प्लांट होते हैं जिनमें रूट की और लीफ की डिस्टेंस काफी लंबी होती है तो उनमें जो डिफ्यूजन होगा वो सफिशिएंट नहीं हो पाएगा ट्रांसपोर्ट के लिए, मिनरल्स के लिए या मतलब एनर्जी ट्रांसपोर्ट के लिए। देखें यहाँ पे, बट इफ द डिस्टेंस बिटवीन रूट एंड लीफ आर लार्ज, अगर रूट और लीफ के बीच की डिस्टेंस बहुत ज्यादा होती है डिफ्यूजन विल नॉट बी सफिशियंट, डिफ्यूजन सफिशियंट नहीं हो पाएगा टू प्रोवाइड रॉ मटेरियल इन लीव्स, मतलब लीव्स में रॉ मटेरियल पहचाने मतलब जो ट्रांसपोर्ट करने के लिए रॉ मटेरियल सॉइल से आ रहा है, तो सॉइल से रॉ मटेरियल एब्जॉर्ब करने का काम रूट करेगा लेकिन वो सेंड कहाँ करेगा, लीफ में। तो अगर डिस्टेंस ज्यादा है तो डिफ्यूजन सफिशियंट, डिफ्यूजन प्रोसेस सफिशियंट नहीं होगी, एंड एनर्जी टू द रूट, और रूट में एनर्जी जो भेजी जाती है तो वो भी नहीं पहुंच पाएगा डिफ्यूजन की हेल्प से। इन सच सिचुएशन ए प्रॉपर सिस्टम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इज रिक्वायर्ड, और ऐसी सिचुएशन में एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है। अगर डिस्टेंस रूट और लीफ की ज्यादा होती है तो एक वेल डेवलप्ड ट्रांसपोर्ट सिस्टम रिक्वायर्ड होता है, एंड विच इज अचीव बाय द वैस्कुलर टिश्यू, एंड दैट वैस्कुलर टिश्यू इज द जाइलम एंड फ्लोएम। लेट्स सी ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर एंड मिनरल इन प्लांट्स।
हमें देखना है कि वाटर और मिनरल्स प्लांट में कैसे ट्रांसपोर्ट होते हैं. एंजाइलम टिश्यू वेसल एंड ट्रैकीट्स ऑफ रूट स्टेम एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल. वाटर कंडक्टिंग चैनल ट्रांसपोर्टिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. तो जैसे आपको पता है कि नाइन्थ में आपने पढ़ा होगा कि जाइलम जो होता है वो फोर टाइप के कंपोनेंट्स का बना होता है. जाइलम वेसल, ट्रैकीट्स, जाइलम फाइबर, जाइलम पेरेंकाइमा. तो ये चार कंपोनेंट है. तो जाइलम वेसल और ट्रैकीट जो होते हैं यही मेन वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं. तो वेसल जो होते हैं वो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है जिनकी एंड वॉल जो होती है वो डिसॉल्व होती है. ये वेसल है, दिस इज द वेसल, ये इनकी, इसको आप वेसल एलिमेंट बोल सकते हो. एक वेसल, दूसरी वेसल, इस तरह से वेसल एक ट्यूब और ट्रैकीट, ये सब इंटरकनेक्टेड होती है. फिलहाल हम वेसल को दिखा रहे हैं. वेसल इंटर वेसल जो होती है, तो जाइलम आपको पता है कि रूट में भी होता है, स्टेम में भी होता है, लीफ में होता है. तो रूट, स्टेम और लीफ की जो वेसल्स होती हैं आपस में इंटरकनेक्टेड होती है और एक कंटिन्यूस सिस्टम बनाती हैं फॉर वाटर ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्टिंग चैनल, मतलब वाटर को ट्रांसपोर्ट करने का पूरा एक चैनल चैनल बना लेती है, जो रूट में भी होता है, स्टेम में होता है और लीफ में भी होता है. ठीक है. और ये वेसल का जो नेटवर्क है वो पूरी प्लांट की सभी पार्ट्स में मतलब सप्लाई करता है. तो वही लिखा हुआ है, एंजाइलम टिश्यू वेसल एंड ट्रैकेट्स ऑफ द स्टेम, रूट एंड लीव्स आर इंटरकनेक्टेड, आपस में जुड़ी होती है टू फॉर्म अ कंटिन्यूअस सिस्टम ऑफ वाटर कंडक्टिंग चैनल. वाटर कंडक्टिंग चैनल का एक सिस्टम बनाते हैं जो कि ट्रांसपोर्ट करता है ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. ट्रांसपोर्टिंग ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी, या आप कह सकते हो ट्रांसपोर्टिंग वाटर, ट्रांसपोर्टिंग वाटर, ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल, ट्रांसपोर्टिंग वाटर एंड मिनरल टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट बॉडी. मतलब जो चैनल होता है प्लांट बॉडी के सभी पार्ट में फैला होता है. वेसल का नेटवर्क जो होता है, जाइलम की वेसल का नेटवर्क प्लांट बॉडी के सभी पार्ट में फैला होता है और फिर ट्रांसपोर्ट करता है वाटर और मिनरल. फिर देखेंगे, बात करेंगे रूट हेयर की. तो रूट हेयर्स आर डायरेक्टली इन कॉन्टैक्ट विद द फिल्म ऑफ वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. कह रहे हैं कि जो रूट हेयर होती है वो जो सॉइल पार्टिकल के ऊपर वाटर की थिन लेयर होती है, तो उसको फिल्म ऑफ वाटर बोल सकते हो. जैसे सपोज करते हैं ये सॉइल पार्टिकल है और इसके ऊपर वाटर की थिन लेयर होती है, तो इसको हम बोलते हैं थिन फिल्म ऑफ वाटर. कह रहे हैं रूट हेयर ऑफ आर डायरेक्टली इन कॉन्टेक्ट विद द फिल्म ऑफ वाटर इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल. तो सॉइल पार्टिकल के बीच बीच में, जैसे एक सॉइल पार्टिकल ये हो गया, दो सॉइल पार्टिकल हो गया, और इसके चारों ओर फिल्म ऑफ वाटर, वाटर की पतली सी लेयर होती है, उसको फिल्म ऑफ वाटर बोलते हैं. तो रूट हेयर जो होता है, सपोज कर लेते हैं ये रूट है और ये रूट की एपिडर्मिस है और ये एपिडर्मल सेल का मॉडिफिकेशन जो होता है ये रूट हेयर हो गया. क्या है रूट हेयर? तो रूट हेयर जो होता है वो जो वाटर की फिल्म होती है सॉइल पार्टिकल के बीच में, उसके कॉन्टेक्ट में लगातार रहता है. फिर कह रहे हैं वाटर एंटर द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. और वाटर जो ये थिन फिल्म ऑफ वाटर है पार्टिकल के ऊपर या पार्टिकल्स के बीच बीच में, वो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन या ऑस्मोसिस के थ्रू अंदर जाता है. ऑस्मोसिस जो होता है वो मतलब मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल की डेफिनेशन होती है. मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द एरिया ऑफ देयर हायर कंसंट्रेशन टू द एरिया ऑफ देयर लोअर कंसंट्रेशन अक्रॉस द मेम्ब्रेन अक्रॉस. तो बट आपने भी पढ़ा होगा कि ऑस्मोसिस इज अ काइंड ऑफ डिफ्यूजन. बट डिफ्यूजन जो वर्ड है वो मैटर किसी स्टेट के लिए होता है, ऑस्मोसिस प्योरली वाटर के लिए डिफाइन किया गया है. ठीक है, तो उसको डिफ्यूजन बोल सकते हो, ऑस्मोसिस बोल सकते हो. यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल का डिफ्यूजन हो रहा है हाई कंसंट्रेशन एरिया से लोअर कंसंट्रेशन एरिया की ओर. ठीक है, तो फिर देखेंगे रूट. तो ये तो हो गया कि रूट हेयर में वाटर कैसे एंटर करता है. अभी पूरा सब कुछ हम डायग्राम के थ्रू बताएंगे. फिलहाल आपको टेक्स्ट जो लिखा है बोर्ड पे, डिस्प्ले पे, वो आपको समझाया जा रहा है. कह रहे हैं वाटर एंटर द रूट हेयर बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस. फिर कह रहे हैं रूट हेयर टेक अप आयंस. रूट हेयर जो होते हैं वो आयंस को अंदर लेते हैं, प्रेजेंट इन द सॉइल. सॉइल में जो आयंस होते हैं जैसे कि कैल्शियम आयन हो गया, जिंक हो गया, फॉस्फेट हो गया, नाइट्रेट, नाइट्रेट आयन हो गया, और सारा कुछ सॉइल में प्रेजेंट होता है. तो ये इसको लेते हैं रूट हेयर जो होते हैं. फिर कह रहे हैं बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो कहने का मतलब है कि जो रूट हेयर होते हैं वो सॉइल में प्रेजेंट अवेलेबल आयंस को एक्टिवली गेन करते हैं. तो
एक्टिव गेन का मतलब, एक्टिव रिसीविंग का मतलब यहाँ पे एनर्जी खर्च हो रहा है। ट्रांसपोर्ट, आयन का ट्रांसपोर्ट दो तरह होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट। जब हाई से लो की ओर आयन्स का मूवमेंट हो रहा है तो पैसिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, लेकिन लो से हाई की ओर मूवमेंट हो रहा है तो उसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट बोलेंगे, और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी खर्च होती है। तो यहाँ पे जो बात कर रहे हैं कि रूट हेयर टेक अप आयन्स प्रेजेंट इन द सॉइल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, तो रूट हेयर जैसे सपोज कर लेते हैं मतलब सॉइल में मान लीजिए NO3 रीनाइट्रेट आयन है तो कम है, और यहाँ तो हम देखते हैं कि रूट हेयर में नाइट्रेट आयन की नंबर्स ज़्यादा है और सॉइल में कम है। उसके बाद भी रूट हेयर जो है वो एनर्जी एक्सपेंडिचर के थ्रू आयन्स का अपटेक कर रही है, यहाँ पर ATP खर्चा हो रही है और ADP और IP बन रहा है, मतलब ATP यूज होने का मतलब ATP स्प्लिट कर रहे हैं ADP IP में, और आयन अंदर जा रही है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिखाया गया है आपको, ठीक है। तो रूट हेयर टेक अप आयन प्रेजेंट इन द सॉइल बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट व्हिच क्रिएटेड डिफरेंस इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दीज आयन बिटवीन द रूट एंड सॉइल, तो उसकी वजह से सॉइल और रूट के बीच में कंसेंट्रेशन में आयन्स का डिफरेंस हो जाता है। तो आयन्स का डिफरेंस होने की वजह से क्या होता है कि अंदर का जो रूट हेयर का साइटोप्लाज्म है वो जो कंसेंट्रेटेड हो जाएगा, उस कंडीशन में लगातार वाटर मॉलिक्यूल और तेजी से एंटर करना स्टार्ट कर देंगे। Therefore, water moves into root hair from the soil continuously by osmosis. तो जैसे कि बताया गया कि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट से आयन जो है वो सॉइल से रूट हेयर में जा रहे होते हैं, ये रूट हेयर है और आयन एक्टिविटी जब जाते रहते हैं, तो इसकी वजह से जो सॉइल का वाटर है और जो रूट हेयर का साइटोप्लाज्म है इसमें इसके कंसंट्रेशन में डिफरेंस होता है, मतलब अंदर का कंटेंट ज़्यादा गढ़ा हुआ होता है और उसकी वजह से वाटर मॉलिक्यूल सॉइल से अंदर जाना स्टार्ट करते हैं ऑस्मोसिस से कंटिन्यूसली। और दिस स्टेडी मूवमेंट ऑफ वाटर इन द जाइलम ऑफ रूट एंड स्टेम क्रिएट्स ए कॉलम ऑफ वाटर, तो जब लगातार पानी अंदर जाने लगता है रूट हेयर में, रूट हेयर से चला जाएगा मतलब रूट के जाइलम में, उसके बाद स्टेम के जाइलम में पानी जाएगा, तो उसकी वजह से एक रूट का मतलब वाटर का कॉलम बिल्ड हो जाता है, मतलब पानी का एक पिलर बन जाता है जाइलम में, स्टेम के जाइलम में और रूट के जाइलम में, विच इज कंटिन्यूसली पुश अपवर्ड, और वो कॉलम लगातार ऊपर की ओर चढ़ता रहता है। पानी का जो खंभा तैयार होता है वो लगातार ऊपर जो है अपवर्ड मूवमेंट करता रहता है। फिर एक बात दूसरी बात ये है कि वाटर इज लॉस्ट टू द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट बाय ट्रांसपिरेशन, वाटर जो था ट्रांसपिरेशन के थ्रू लगातार लीव से निकलता रहता है, तो ट्रांसपिरेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम द सेल्स ऑफ लीव क्रिएट्स अ सक्शन, तो लगातार पानी जो है लीफ से निकलते रहने से जो जाइलम जो स्टेम का जाइलम है या लीफ का जाइलम है उसमें एक सक्शन मतलब एक खिंचाव क्रिएट होता है, लीफ क्रिएट्स ए सक्शन विच पुल्स वाटर फ्रॉम जाइलम सेल्स ऑफ रूट, तो जो कि सक्शन की वजह से एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को खींचने लगते हैं, ठीक है। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड एज ट्रांसपिरेशन पुल। अब हम पूरा इवेंट जो है डायग्राम के थ्रू समझेंगे। अभी आपको टेक्स्ट दिखाया गया, ओके, लेट्स सी डायग्राम ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। इन दिस डायग्राम दिस इज द जाइलम वेसल व्हिच इज मेड अप ऑफ जाइलम एलिमेंट एंड एलिमेंट्स आर इंटरकनेक्टेड टू ईच अदर फ्रॉम द रूट अप टू द टॉप ऑफ द प्लांट। दिस इज द पेरिसाइकिल which is present outside the xylem vessel, and this is the endodermis which is present outside the pericycle, and this multilayered parenchymatous tissue is called cortex which is the ground tissue, and outside the cortex this is single layer epidermis of the root. In the epidermisum there is a production of cells and this is called root hair which is in the contact of soil, जो कि soil contact में रहता है, and these are the soil particles and soil particle is surrounded by thin film of water, तो लगातार water जो होता है वो osmosis के थ्रू या diffusion के थ्रू इसमें जाता रहता है root hair में,
वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू जाता है, जाता रहता है, और लगातार वाटर फिर ऑस्मोसिस सेल टू सेल ऑस्मोसिस के थ्रू कॉर्टेक्स में जाता रहता है। साथ ही एक फिनोमेना और काम करता है जो कि एक्टिव पिछले स्लाइड में आपको बताया भी गया है कि रूट हेयर में जैसे ये रूट हेयर होती हैं सॉइल में जो आयंस होते हैं उनको अपटेक करते रहते हैं एक्टिवली, मतलब अंदर यहाँ पे ज़्यादा NO3 माइनस है, नाइट्रेट है मान लीजिए सॉइल में कम है, उसके बावजूद रूट हेयर जो होते हैं वो एनर्जी एक्सपेंडिचर के थ्रू आयंस को लेते रहते हैं। इस आयंस लगातार जाते रहते हैं उसकी वजह से रूट हेयर के साइटोप्लाज्म और सॉइल में जो वाटर है ये सॉइल में जो सोल्यूशन है उसके बीच में मतलब कंसंट्रेशन में डिफरेंस क्रिएट होता है और उस डिफरेंस से वाटर मॉलिक्यूल और तेजी से अंदर जाना स्टार्ट करते हैं। अब जब लगातार ऑस्मोसिस रैपिड ऑस्मोसिस से पानी जब अंदर जाने लगता है तो ये सेल टू सेल ऑस्मोसिस के थ्रू वाटर जो है क्या होगा, वाटर सेल टू सेल ऑस्मोसिस के थ्रू कॉर्टेक्स में जाएगा और उसके बाद कॉर्टेक्स के बाद धीरे धीरे चला जाएगा जाइलम में सेल में। तो लगातार रैपिड ऑस्मोसिस से इसमें वाटर का एक कॉलम बिल्डअप हो जाता है, वाटर मॉलिक्यूल का एक कॉलम बिल्डअप होता है, ठीक है, जो कि लगातार ऊपर चढ़ता रहता है, विच इज कंटिन्यूसली पुश्ड अपवर्ड। वाटर मॉलिक्यूल का कॉलम क्रिएट होता है जाइलम वेसल में, रूट की जाइलम में भी और ऊपर स्टेम की जाइलम में भी लगातार वाटर का कॉलम क्रिएट होता है और वो ऊपर की पुश होता रहता है। और साथ ही लीव से ट्रांसपिरेशन के थ्रू भी वाटर निकलता रहता है। तो जब लीव से वाटर मॉलिक्यूल निकलते रहते हैं उसकी वजह से जो है जो जाइलम की वेसल है उनके वाटर मॉलिक्यूल के बीच में एक सक्शन क्रिएट होता है, एक खिंचाव क्रिएट होता है और उस खिंचाव को क्या बोलते हैं, उस सक्शन को बोलते हैं, जैसे एक वाटर मॉलिक्यूल दूसरे वाटर मॉलिक्यूल को ट्रांसपिरेशन की वजह से मतलब पुल करते रहते हैं। तो जब पुलिंग होती है तो इसकी वजह से क्या होगा, तो इस पुल को बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल, वाटर मॉलिक्यूल एक दूसरे को पुल करते हैं इसको बोलते हैं ट्रांसपिरेशन पुल बोलते हैं। तो ट्रांसपिरेशन की वजह से वाटर मॉलिक्यूल जाइलम वेसल में वाटर मॉलिक्यूल के बीच में सक्शन क्रिएट होता है और सक्शन को मतलब खिंचाव कहते हैं, क्योंकि ट्रांसपिरेशन की वजह से हो रहा है इसलिए इसको ट्रांसपिरेशन पुल कहते हैं। तो इस तरह से लगातार वाटर कॉलम बिल्डअप हो जाता है, पानी प्लांट के सही पार्ट में ट्रांसपोर्ट होता रहता है। तो कुल मिला के तीन फिनोमेना काम कर रहे हैं, ऑस्मोसिस, एक्टिव ट्रांसपोर्ट और ट्रांसपिरेशन पुल, ये सब मिलकर वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं।